ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता है ना, जिसे रक्त संबंध भी कहा जाता है, कि रक्त संबंध जो है टॉपिक, इसमें कौन कौन से रिलेशन आते हैं। देखो रिलेशन मतलब रिश्ता, रिश्ता। अब रिश्ता मैंने आपको कल भी बोला था कि अगर हम रिश्तेदारों की बात करेंगे तो रिश्तेदार हमारे बहुत होते हैं, लेकिन क्या वो सभी रिश्तेदार जो आपके रिलेशन में आते हैं, क्या वो सभी ब्लड रिलेशन में शामिल होते हैं? नहीं। तो ब्लड रिलेशन का मैंने आपको बता दिया, 5 जनरेशन से लेना होता है, 5 जनरेशन से रिलेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, जिसमें आपके दादा दादी, नाना नानी। सेकेंड जनरेशन में आपके पेरेंट्स सेकेंड जनरेशन में आपके पेरेंट्स होंगे, आपके हस्बैंड या वाइफ उनके पेरेंट्स भी होंगे, ठीक है, और आपके चाचा चाची, बुआ फूफा जी, ठीक है। इधर बात करें मम्मी के साइड में, तो मामा मामी, मौसा मौसा जी, तो ये सारे रिलेशन सेकेंड जनरेशन के हुए, ठीक है। और हमने एक दो वर्ड यहाँ पढ़े थे, पैटर्नल और मैटरनल। जब भी बात होगी पापा साइड के रिलेशन के लिए तो वहां पर यूज किया जाता है पैटर्नल, और जब मम्मी साइड के रिलेशन की बात होगी तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश में दोनों ही वर्ड सेम है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, दो ग्रैंडफादर इधर किसके, पापा के पापा भी, और ग्रैंडफादर मम्मी के पापा भी ग्रैंडफादर में ही आएंगे। तो अब दोनों वर्ड सेम है तो हमें इन्हें डिफ्रेंशिएट करना होगा, और दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पैटर्नल और मैटर्नल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ओके, ठीक है। और अब हम थर्ड जनरेशन में बात करें, थर्ड जनरेशन में कौन होते हैं हम सब, थर्ड जनरेशन में कौन होंगे हम सब होते हैं, ठीक है, और हमारे वाइफ हस्बैंड, ठीक है, हमारे कजिन, हमारे ब्रदर सिस्टर, उनके हस्बैंड वाइफ, ये सारे ही थर्ड जनरेशन में आएंगे। देन उसके बाद फोर्थ जनरेशन, जिसमें आएंगे आपके कौन, नीस नेफ्यू, भतीजा भतीजी, भांजी भती भांजा, ये आ जाएंगे। इसके बाद आपके बच्चे, क्लियर। देन उसके लास्ट बाद जो जनरेशन होती है उसमें आते हैं आपके बच्चे के बच्चे, जिसमें आप दादा बन चुके होते हो, दादा दादी बन चुके होते हो, है ना। तो ये है 5 जनरेशन जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिलेशन का मैंने पूरा एक फॉर्मेट आपको बता दिया था कि ये लिमिटेशन है ब्लड रिलेशन की, यहाँ यहाँ तक रिलेशन ब्लड रिलेशन के अंदर माना जाता है। आज आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, और आज हमारा पूरा फोकस होगा, मैंने आपको बताया था कि दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला जो टाइप है वो कौन सा है, इंडिकेटिंग पॉइंटिंग, जिसमें एक बंदा दूसरे को इशारा करते हुए रिलेशन बताता है, ठीक है। एक बंदा किसी दूसरे को इशारा कर रहा होता है कि भाई ये कैसे उससे रिश्ते में लगने वाला है, ठीक है, ये हुआ पहला टाइप। दूसरा जो टाइप है उसमें होते हैं कोडेड, जिसमें पूरा का पूरा एक कोड फॉर्म में रिलेशन दिया होता है, तो वो सेकेंड टाइप है, वो हम आगे करेंगे। आज हम लोग इंडिकेटिंग पे फोकस करने वाले हैं। चलो यहां से हमारे क्वेश्चंस करने हैं हमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं बताऊंगी, सभी ध्यान से देखेंगे, इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे पहले, फिर मैं करूंगी, ठीक है। तो सभी स्क्रीन पे देखेंगे, हाँ। और एक और बात, कभी ऐसा होता है कि ये तो सभी को आइडिया होगा, जिन्हें नहीं है वो समझ लीजिएगा, जब आप मोबाइल पे देख रहे होते हो क्लास को तो स्क्रीन पे क्वेश्चन और मेरा जो वीडियो है वो आपको साइड में दिखेगा, ठीक है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। जब भी अगर क्वेश्चन हाइड हो जाता है मेरे वीडियो के कारण, तो वीडियो को आप ड्रैग कर सकते हो ऊपर नीचे, एडजस्ट करके भी आप क्वेश्चन को रीड कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स का ये डाउट था, ठीक है, ये प्रॉब्लम थी उन लोगों की, तो ये चीज आप भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप वीडियो को ऊपर नीचे ड्रैग करके अपने जहां स्पेस दिख रहा है वहां एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है किसका, बी का। आप बहुत अच्छे से समझेंगे, इस पूरे चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जेंडर। क्या कि जेंडर आप अपने मन से डिसाइड नहीं करोगे जब तक क्वेश्चन में ही शी हिज हर इस फॉर्म में ना दिया और स्पेसिफाई किया हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पर बोला है ए भाई है किसका, बी का, तो भाई मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्लस मतलब मेल पर्सन, मेल कैंडिडेट, और माइनस मतलब फीमेल, ठीक है। प्लस मतलब मेल और फीमेल को हम किससे डिनोमिनेट करेंगे,
माइनस, ठीक है। अब ए भाई है किसका, भाई बी का, ओके। लेकिन क्या ऐसा कहीं मेंशन है कि बी उसकी बहन है या बी भी भाई है उसका? ऐसा कहीं नहीं लिखा। आगे जब हमने पढ़ा तो बोलता है बी इज द फादर ऑफ सी, बी पिताजी हैं किसके, ए के, सॉरी सी के। तो भाई जैसे ही उन्होंने बोला फादर है ना, वैसे ही हमने, हमें पता चल गया जेंडर, यस और नो? हमें वैसे ही पता चल गया क्या जेंडर? तो हमें ये पता चल गया कि बी फादर तो है, फादर के साथ साथ मेल है, तो हमने प्लस लिख दिया। और ये किसके पापा हैं, सी के फादर हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सी के फादर। एरो जिस साइड लगा हुआ है वो रिलेशन बता रहा है, मतलब अगर बी और सी की बात लिखी है, यहाँ मैंने फादर लिखा है, तो फादर कौन है, बी है, क्योंकि बी का, बी के साइड एरो है, तो फादर किसके होंगे, सी के। अगेन इससे ये नहीं पता चलता है कि सी उसका बेटा है या बेटी है, जब तक क्वेश्चन में सी के बारे में ना दिया हो तब तक आप वहां पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि सी कौन है। आगे क्या कह रहा है, डी इज दी वाइफ ऑफ ए, डी वाइफ है किसकी, ए की, ठीक है भाई, डी ये है, डी वाइफ है किसकी, ए की, तो ये ए है और ये डी है, मतलब दोनों डी एंड ए दोनों हस्बैंड वाइफ है। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, सी का डी के साथ क्या संबंध है? तो एक बात बताओ, सी के ये पापा हैं और पापा के भाई मतलब अंकल चाचा और चाचा की वाइफ, तो आंट बोलो इंग्लिश में या हिंदी में, चाची बोलो बात एक ही है, तो यहां पर आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर क्या, क्लियर है सभी को? तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, मतलब चाची।